क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू वन फाइव एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री डी एक्स। अब यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों में डिग्री सेम है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, फाइव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री, तो देखो यहाँ पर फाइव इंटू एक्स स्क्वायर जो कि पहले से क्वेश्चन में था अभी भी रहेगा, लेकिन साथ में एडिशन हम लोग कर दिए फोर फाइव जो ट्वेंटी, ट्वेंटी एक्स ऐड किए हैं तो ट्वेंटी एक्स माइनस करना पड़ेगा, फिर फाइव थ्री या फिफ्टीन भी ऐड किए हैं, फिफ्टीन हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको ब्रैकेट में ले लूँ तो ये माइनस हो जाएगा प्लस। अब जो क्वेश्चन है नीचे में जो डिनोमिनेटर था उसको दो पार्ट में अलग अलग कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री, और इसके साथ भी लिख दिया उसको एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री, ठीक है। और डी एक्स तो है ही, ये कट गया, यहाँ पर सिर्फ फाइव बचेगा, और इसको फिर से हमको डिफ्रेंशिएट करना है, सॉरी इंटीग्रेट करना है, ये टू वन फाइव माइनस, यहाँ भी टू वन लगा सकते हैं, बाकी इसी में रख देता हूँ ट्वेंटी एक्स प्लस फिफ्टीन, इसको मिडिल टर्म कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस एक्स प्लस थ्री डी एक्स, टू वन फाइव माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस फिफ्टीन, इन दोनों में एक्स कॉमन है एक्स प्लस थ्री, और यहाँ वन कॉमन है तो एक्स प्लस थ्री, दैट मीन्स एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस वन इसका फैक्टर आएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ एक्स प्लस थ्री एंड एक्स प्लस वन डी एक्स, ठीक है। इसके आगे इसका तो आराम से बन जाएगा, फाइव एक्स हो जाएगा इसका, इसको सॉल्व करते हैं, ट्वेंटी एक्स प्लस फिफ्टीन अपॉन एक्स प्लस थ्री एंड एक्स प्लस वन, इक्वल टू लिख सकते हैं ए बाई एक्स प्लस थ्री प्लस बी बाई एक्स प्लस वन। तो इस तरह से हम लोग तो कंपेयर करेंगे, ए एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस थ्री, ठीक है। यहाँ पर थ्री है तो अगर माइनस थ्री पुट करता हूँ, टू इंटू माइनस थ्री प्लस फिफ्टीन इक्वल टू, यहाँ माइनस थ्री पुट करने से वन माइनस थ्री माइनस टू हो जाएगा, तो माइनस टू है। जब ए का वैल्यू निकाल रहे हैं तब बी को अभी यहाँ पे पुट नहीं करना है कुछ, यहाँ पे प्लस थ्री था तो माइनस थ्री पुट किए हैं, तो ये आ जाएगा माइनस सिक्सटी, माइनस सिक्सटी प्लस फिफ्टीन माइनस फोर्टी फाइव, और ये टू यहाँ पे डिवाइड होगा तो ए का वैल्यू आया फोर्टी फाइव बाई टू, और बी का भी फाइंड कर लेंगे, बी में प्लस वन है तो माइनस वन पुट करेंगे, अगेन यहाँ पे आ जाएगा ट्वेंटी इंटू माइनस वन प्लस फिफ्टीन इक्वल टू माइनस वन प्लस थ्री करने से टू बी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस फाइव बाई टू, ये बी का वैल्यू है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमको पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, यहाँ गया इसके आगे टू वन फाइव माइनस, यहाँ पे आ जाएगा ए बाई एक्स प्लस थ्री, दैट मीन्स फोर्टी फाइव बाई टू एक्स प्लस थ्री प्लस बी बाई एक्स प्लस वन प्लस माइनस फाइव बाई टू, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वन, और ये हो गया डी एक्स, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ का माइनस हो जाएगा प्लस। अब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 5x माइनस 45/2 लॉग एक्स प्लस 3 प्लस 5/2 लॉग एक्स प्लस 1, यहाँ आ गया 2 और 1, यहाँ पे आ जाएगा 5, 2 माइनस 1 माइनस 45/2 लॉग 2 प्लस 3 माइनस लॉग 1 प्लस 3, फिर आ जाएगा प्लस 5/2 लॉग 2 प्लस 1 माइनस लॉग 1 प्लस 1। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। 2 माइनस 1 1, 1 इंटू 5 5 आ जाएगा, माइनस 45/2 ये लॉग 5 लॉग 4, तो लॉग 5/4 हो जाएगा माइनस में, तो प्लस 5/2 लॉग 3/2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,